जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जो बोले सो निहाल, भारत माता की जय। नहीं है क्या, क्या ये सब? अभी हो गया, सब चला गया, क्योंकि ले 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 रहा था। वो महिला कहाँ है? महिला है ना, वो कहाँ है महिला? हाँ आंटी, हाँ इसमें फोटो लेना अपना क्या? हाँ हाँ फोटो, एक मिनट, अब चलो अरे वो कट हो जाएगा, मॉडल निकाल लो, मान लो तुम्हारा जाओ नेक्स्ट आई कुड़े आए थे चलिए आ जाओ इधर पीछा दो सर, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारा। अरे वाह, नमस्ते, कैसे आ गई हो? लुक लुक लुक, भैरव भैरव, हाँ भैरव भैरव, फोटो कर फोटो कर। और कौन है? हरिओम जी आइए, फोन कर लो, आ रही है, आ जाओ एक फोटो। नहीं, कल्याण जी एक मल्टी डायमेंशनल व्यक्ति है, वो एक पत्रकार है, खुद का एक उसका मैगजीन चलता है, वो अपने आप में एक रियल लाइफ हीरो है। अपने आप को वो हमेशा बोलता है कि वो मैं गरीबों का एक्टर हूँ, मगर धीरे धीरे मैं उसको 10-12 साल से नज़दीक से देखते आया हूँ और अपने आप में एक अभिमानास्पद चीज़ मैं देख रहा हूँ कि लगभग 6-7 महीने से जो ये लॉकडाउन में कल्याण जी के माध्यम से लोगों तक सेवा की जा रही है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भैरव जी, कल्याण जी और कल्याण जी की पूरी टीम आज ओशिवरा पुलिस स्टेशन के पास में हर रोज़ लगभग 200-300 लोग खाना खा रहे हैं, उनको अनाज दिया जा रहा है, उनको कपड़ों की मदद की जाती है, उनको आर्थिक मदद दी जा रही है, ये सब अपने आप में एक अच्छा कर्म कल्याण जी और उसके संस्था के माध्यम से हो रहा है। दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड्स, उसकी जो संस्था है, दक्षिणिक मुंबई न्यूज़पेपर है, और उसके अलग अलग भिन्न भिन्न फेसबुक लाइव से वो आप लोगों से सबसे चर्चा करता है। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं गरीबों के बीच में, कामगारों के बीच में रहने वाला एक कामगार नेता हूँ और अपने साथ में काम करने वाला लड़का अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं कोई गेस्ट नहीं हूँ, तो उसको मोटिवेशन देने के लिए, उसको एक हौसला उसका बढ़ाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मेरी पूरी तरीके से उसको शुभकामनाएं। हमारे साथ जुड़े हुए आज 7 लाख से ज़्यादा वर्कर्स की तरफ से मैं उसको, कल्याण जी को और कल्याण जी के साथ जुड़े हुए पूरे उसके टीम को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। और आज फिल्म इंडस्ट्री में भी जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है, आज उन लोगों का काम 100% पूरी तरीके से बंद है। मैं चाहूँगा कल्याण जी कि आप फिल्म से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जो स्टार्स कलाकार है उनका ठीक है, मगर बैक स्टेज पर काम करने वाले कारपेंटर, स्टेज डिज़ाइनर या पीछे जो पर्दे के पीछे काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए कुछ आप सेवा करिए, निश्चित तौर पर धड़क कामगार यूनियन आपके पीछे खड़े रहेगी। हमने हमारे साथ जुड़े हुए, मैं पूरे फख्र से बोल सकता हूँ कि हमारे साथ जुड़ा हुआ हर आदमी, उसको हमने पूरे 1 महीने का पूरा खाने का किट दिया हुआ है और मुझे लगता है कि जो लोगों ने दी हुए है, हमारे हमें जो मदद की है उसमें अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्वयं अमिताभ बच्चन जी ने हमें मदद की हुई है, रिलायंस के मुकेश अंबानी जी ने मदद की है, ऐसे बहुत बड़े बड़े लोगों ने, ये सब आप लोग जैसे लोगों का हाथ भार लगकर ये काम होता है। और कल्याण जी हो, मैं हूँ, रविंद्र अरोरा जी है, ये हम सब ये माध्यम है। मुझे लगता है कि हम खुशनसीब हैं कि हमारे माध्यम से लोगों तक सेवा होती है। भविष्य में
भविष्य नहीं, भविष्य नहीं, कल्याण जी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। थैंक यू सो मच। बॉलीवुड की बातें CG24 बीवी एंटरटेनमेंट। हैदर जी हर वक्त मेरे पास यहाँ पर आते हैं और पिछले कई सालों से वो एज ए मीडिया संभाल रहे हैं। वो मीडिया के बहुत अच्छे सीनियर पर्सन है और मैं जिस शख्स के लिए मैं बोल रहा हूँ आज यहाँ पर, मैं वो शख्स मेरे लिए एक ऐसे है पिता माता की जैसी है। क्योंकि पिता माता सबको पता है मेरे लाइफ के बारे में, सबको पता है जो मेरी पिता माता मेरे गाँव में है, मेरी वाइफ अंकिता जाना और उनकी परिवार मेरे को साथ दिया है। साथ साथ में एक ऐसे शख्स है जो इस मुंबई शहर में जिनको पिता माता का थोड़ा भी महसूस होने नहीं दिया, वो इंसान है अभिजीत राणे। 2007 से मेरे प्रोग्राम में, चाहे वो कांदीवली में हो, कांदीवली से शुरू होते होते मलाड, मलाड का फिर गुरेगांव, गुरेगांव से अंधेरी, अंधेरी से बांद्रा तक मैंने जितने भी प्रोग्राम किया, हर प्रोग्राम में जिस तरीके से इन्होंने पीछे से बैक सपोर्ट दिया, जिस तरीके से उन्होंने पीछे से खड़ा हुआ, जो तुजामी पार्टी मांगे हैं, तो ये सबसे बड़ा बात है जो आज एक गुरु, एक पिता माता के समान एक गुरु एक मेरे पीछे खड़े हैं। मैं इनको दिल से धन्यवाद करता हूँ। जिस जब जब उनको मैंने फुकारा तब तब वो मेरे पीछे खड़ा हुआ है और उनकी पूरी टीम मेरे पीछे खड़ा हुआ है। मैं इनकी पूरी टीम को मैं नमन करता हूँ, मुंबई मित्र वित्त मित्र का नमन करता हूँ, मैं नमन करता हूँ धरक कामगार यूनियन को जो आज मेरे साथ है मेरे हर प्रोग्राम में, चाहे वो दादा साहेब फाल्के आयकर अपने फिल्म के ना हो, दार्शनिक मुंबई पिछले मैं 7 साल से मैं अवॉर्ड शो कर रहा, हर साल इन्होंने इनका आना और प्रोग्राम के बीच इन्होंने जिस तरीके से मेरे बारे में बोलना, और जहाँ भी मैं कुछ गलत वे में चला जाता हूँ तो कल्याण बोलता है नहीं कल्याण जी ऐसा नहीं तो ऐसा कर, ऐसा नहीं तो ऐसा कर, जिस तरीके से एक रास्ता एक गुरु देता है उसी तरह इन्होंने मेरे लिए काम किया है। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। जिस तरीके से इन्होंने इनकी आज ऑफिस के बाहर कामगार के कुछ लोग मदद करने के लिए, मदद लेने के लिए आए थे इनके ऑफिस के बाहर, वो छोड़ के 5 मिनट के लिए यहाँ पर आए हैं, जो कल्याण जी मैं आ रहा हूँ 5 मिनट के लिए, लेकिन आए, वो सबसे बड़ी बात है। जो इतने बड़े आदमी, इतने बड़े शख्स, इतनी मतलब टाइम दे रहे, ये सबसे बड़ी बात है। बड़ी बात ये नहीं है जो आपको क्या दे रहे, टाइम ही इनके लिए कीमत है, लाखों का कीमत है, करोड़ का वो कीमत है, क्योंकि इनके पास वक्त नहीं है। और इस वक्त इनके NGO में, इनके संस्था में जो लोग दूर दूर से गांव खेड़े से आ आके इनसे वो अनाज लेके जा रहा है, मैं मेरी DPIF की पूरी टीम, जो मेरी DPIF आज दुबई में शो कर रहे 24 नवंबर को, दुबई में 24 नवंबर को मेरे गुरुजी मेरे साथ चल रहा है दुबई, और उसके अलावा मेरी फिलीपींस, मेरी इजिप्ट, ब्राज़ील, नेपाल, भूटान, इन सब जगह से लोग DPIF में जुड़े हैं। मुंबई के नहीं, महाराष्ट्र के नहीं, पूरी देश के हर राज्य पे, हर सिटी में मेरे साथ लोग जुड़े हैं। और उसके साथ साथ में एक ऐसे हस्ती जुड़े हैं जिसका नाम है अभिजीत राणे, जिसको कार्य सम्राट से लोग बोलते हैं, पुकारते हैं, और सभी का गरीबों के मसीहा कहते हैं। तो और इसके साथ में आज मेरे साथ में रविंद्र अरोड़ा जी, जो आज सीनियर पर्सन है हमारी इंडस्ट्री के, वो आए हैं, उनके कुछ लोगों को लेके आए हैं अनाज देने के लिए। उसके साथ साथ में मेरू जैन है हमारे साथ, मेरी गुरुजी है जिनको मैं छुप छुप के मैं देखा करता था डांस क्लासेस में, वो गुरुजी मेरे आए हैं, जिनका नाम है बिजन देवनाथ। इनको मैं अभी आपके सामने, जो जिनके क्लासेस को जो मैं फुल बेचता था कांदीवली वो शंकर गली में, जिनकी डांस क्लास चलता था, और वहाँ पे 1.5 साल तक मैं छुप छुप के डांस देखकर, मैं बाथरूम के पीछे, मैं बस के पीछे मैं डांस करता था। वो गुरुजी मेरे साथ में यहाँ पर है। लोग बोलता है कल्याण जी तुमने फूल नहीं बेचा, लोग बोलता तुमने फूल नहीं बेचा, तुमने छुप छुप के डांस तुमने नहीं देखा, तुम खाली बेवकूफ बनाते हो। तो ये गुरुजी मेरे साथ में है जिसका नाम बिजन देवनाथ। मुदस्सर खान भी वो उसके साथ में है, मुदस्सर खान को भी उन्होंने डांस सिखाया है। वो तमाम जो लोगों को जो डांस सिखाया है वो गुरुजी मेरे साथ में है। मैं बोल दूँ सर क्या बोलोगे आप, छुप छुप के देखता था, फूल बेचता था, क्या मैं ऐसे मैं आगे? देखिए कल्याण जी जाना ऐसा चीज़ है जो कभी झूठ नहीं बोलते, सच्चाई बोल, जो मेहनत करते हैं कभी झूठ नहीं बोलते, जो इंसान मेहनत करते कभी झूठ नहीं बोलते हैं। आपको दिखाई देगा जितना काम वो लोग कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि जो भी वो कर रहे हैं और जो भी कहा वो सच है। वो कभी बोलते हैं ना, उन्होंने कहने का मतलब है मेहनत करो, चोरी मत करो। परफेक्ट, यही इंसान है जिन्होंने मुझे फूल बेचने से उठाकर उन्होंने अपना कपड़ा दिया पहनने के लिए, कैप दिया, उसने बूट दिया पहनने के लिए, एंड यही गुरुजी है। काफ़ी लोगों को उन्होंने स्टार बनाया, लेकिन आज मेरे साथ में है मेरे गुरु। एंड मैं चाहता हूँ कमाल खान साहब थोड़ा सा आए, क्योंकि वो लॉकडाउन में जो लोग बाहर मतलब बॉम्बे छोड़ के जा चुके हैं, बहुत सारे काम बंद हो गए हैं, आप लॉकडाउन खुलने का कुछ इंतज़ार है या आप लोगों के लिए कुछ और समय? नहीं, मुझे विश्वास है कि और एक शॉर्ट 15 दिन का एक्सटेंशन होना चाहिए,
अभी भी बीमारी बढ़ रही है, जैसे दिखता है वैसे नहीं है। मुझे लगता है कि एक 15 जून तक लॉकडाउन होगा और 15 दिन के बाद ब्रेक द चेन शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे लोगों के काम शुरू होंगे। मगर आज महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से कामगारों को विश्वास देने में असफल रही है। मैं ये उद्धव सरकार की पूरी निंदा करता हूँ और मैं ये सरकार को बताना चाहूँगा कि आप ऐसा कुछ कीजिए जो हाथ पर काम करने वाले लोग हैं, जो माइग्रेंट हैं, जो बाहर से यहाँ पर आए और काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आप विश्वास देने में असफल रहे, उनको पहले विश्वास दिलाइए। क्या बात है, कमल खान सर क्या बोलोगे, क्योंकि इनकी बहुत प्रोग्राम में जाते हैं अभी दादा के प्रोग्राम में और बहुत अच्छे कलाकार। दादा का जो प्यार है हमेशा आपके साथ, हमारे साथ जो बना है हमेशा, उसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दादा एक साल से तकरीबन जो वो अपने वर्करों से लेके फिल्म इंडस्ट्री के वर्करों तक जो अनाज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं दादा, एंड कल्याण जी जाना, तो मैं दादा को और कल्याण जी जाना को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ये जिस तरह से सोशल वर्क कर रहे हैं वो बहुत काबिले तारीफ है और कोई भी नहीं कर रहा है इनकी जितनी मेहनत कल्याण जी जाना के और दादा के। नहीं, इनसे मैं सीखा हूं, मैं तो दादा मैं अभिजीत राणे से मैं सीखा हूं सोशल वर्क करना, क्योंकि मेरी गुरु है ये। आप सबसे यही आग्रह करता हूं कि दादा को और कल्याण जी को आप इसी तरह से प्यार देते रहें, ये इसी तरह से काम करते रहें और आप सबका आशीर्वाद लेते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। थैंक यू सर। देखिए, ज़िंदगी में जो दिखने में छोटा लगता है वही बड़ा काम करता है। से ससैया के दोबरे नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो कल्याण जी भाई भी वही हैं जिन्हें मैं अंकल बुलाता हूँ। ये गरीबों के एक्टर होते हुए अब अमीरों के भी एक्टर हो गए हैं, लेकिन गरीबों के साथ इन्होंने आज तक नहीं छोड़ा है, आज भी हैं। और अभिजीत राणे जी का दिल हमेशा से वर्कर के लिए धड़कता रहा है, इसलिए इन्होंने नाम रखा है धड़क कामगार यूनियन। और धड़क कामगार जो है वो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से ही नहीं, और वर्कर्स के लिए भी धड़कती है। इन्होंने डायमंड वर्कर्स के लिए रात को 3-3 बजे तक जाके उनको उनका हक दिलाया है, और वो स्ट्राइक 6 महीने चली और 6 महीने उन्होंने सब वर्कर्स को फीड किया है। मैं भी उनके साथ रात को 3-3 बजे तक गया हूँ, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे एक कांग्रेस हाउस है जहाँ पे पुलिस उनको तंग करती थी, इन्होंने कांग्रेस हाउस की भी यूनियन खोली, और ये जाके जब खड़े हो गए तो पुलिस वालों ने उनको तंग करना बंद किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर आदमी उस हाउस से जुड़ना नहीं चाहता, लेकिन इनका दिल साफ है इसलिए ये कहीं भी जाके खड़े हो जाते हैं और कमल की तरह कीचड़ में खिल जाते हैं। ऑल द बेस्ट, गुड लक। ठीक है, उसने निकाल दिया होगा। चलो ओके गुरुजी, प्रणाम।